भाई ने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि अक्सर ये साइंटिस्ट 90% यहूदी है, तो उस टाइम में मुसलमान क्या कर रहे थे, वो क्यों साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े? तो बहरहाल मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक एक जिसको कहेंगे पैमाने या तजुर्बे के एतबार से, ये एक अंदाजे के एतबार से मतलब 11वीं सदी से लेकर 14वीं या 15वीं सदी तक दुनिया के 90% साइंसदान मुसलमान थे। 90% साइंसदान मुसलमान थे 11वीं सदी से लेकर तकरीबन 15वीं सदी तक। 15वीं सदी के बाद मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ, इसलिए कि उन्होंने अपने दीन को छोड़ दिया, क्योंकि वो दीन को पकड़े हुए थे तो दुनिया में भी आ गए थे, दीन को जवाल शुरू हुआ। और जो यूरोप के अंदर 17वीं सदी में यह रेनेसांस आया, रेनेसांस जो तब्दीली आई, जो मशीनी एज आया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो एज आया, ये मुसलमानों की देन थी। क्या आपको लगता है वो यूरोप जो 6वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक हजार साल तक डार्क एजेस में रहता था, डार्क एजेस में 17वीं सेंचुरी में उनके पास क्रैंकशाफ्ट अचानक आ गया जिससे पूरा इंडस्ट्रियल एज चालू हो गया। आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल एज आया, रेनेसांस आया, यूरोप कहता है कि सबसे बड़ी तब्दीली उसमें इंडस्ट्रीज लाई और उसके अंदर सबसे बड़ा कोई इन्वेंशन उसके लिए जिम्मेदार है तो वो क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट मालूम आपको, पिस्टन होता है, गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी में पिस्टन होता है, पिस्टन इंजन में आगे भी चलता है, वो पिस्टन को लेके चलने के लिए एक शाफ्ट, एक डंडा होता है जो पिस्टन को, मतलब क्रैंकशाफ्ट का माना यह है कि सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन बनाता है, मतलब गोल घूमने वाली चीज को सीधे एक्शन बनाता है, क्योंकि अंदर इंजन गोल घूमता है लेकिन क्रैंकशाफ्ट सीधा घूमता है, लीनियर मोशन। तो ये इजाद किसने की क्रैंकशाफ्ट की, ये शाफ्ट किसने इजाद किया, ये मशीन और ये इंजन्स की इजाद किसने की? क्रैंकशाफ्ट अगर बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी यूरोप के रेनेसांस के लिए, तो जो यूरोप हजार साल तक डार्क एजेस में था, 17वीं सदी में क्रैंकशाफ्ट के आसमान से उतर के आया उनके लिए, ये मुसलमान साइंसदानों की देन थी जो क्रैंकशाफ्ट को पानी को पंप करने के लिए और मुख्तलिफ मशीनों में इस्तेमाल कर रहे थे। मानो आपको ये क्रैंकशाफ्ट जो है अल-जज़री नाम के एक साइंसदान जो 9वीं सदी के थे, इन्होंने पानी को खेतों तक कैसे पहुंचाना जाए, बिलखसूस इराक के इलाके में जहाँ पानी, नदियां तो है लेकिन खेत दूर दूर है, वहां पानी के जजीरे नहीं है, तो उन्होंने इजाद किया क्रैंकशाफ्ट जो कि घूमता हुआ था, मतलब पानी डोल से उठता था, डोल अंदर डूबता था, पानी लेकर आता था, एक टब में गिराता था, वो जो घूमने के लिए जो उन्होंने इजाद किया वो शाफ्ट था जिसकी वजह से वो इंजन पूरा चलता था और एक मैकेनिज्म क्रिएट होता था कि गधे या बैल रस्सी को खींचते थे जिससे क्रैंकशाफ्ट चलता था और वो पूरे पानी के सर्कल को चलाता था जिससे दूर दूर खेतों में पानी ले जाया जाता था। 7वीं सदी में मूसा ब्रदर्स बोलकर, बनू मूसा बोलकर एक खानदान था बगदाद का, उन्होंने रोबोटिक्स में इजादत की, मानो रोबोटिक्स आप बोलेंगे रोबोटिक्स 9वीं सदी और हम 1100 साल की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट की देन है या फलां की देन है या जापानीज की नहीं, बनू मूसा, मूसा ब्रदर्स जो थे, मूसा जो भाई थे, चार पांच बनू मूसा बोलते थे उनको, कि मूसा जो भाई थे ब्रदर्स, इन्होंने ईजाद की और उस जमाने के खलीफा के लिए उन्होंने एक ऐसी औरत बनाई थी, मत बनाना चाहिए था हालांकि, लेकिन औरत बनाई थी जो सुबह सुबह एक बटन दबाने पर कॉफ़ी लेकर बाहर निकालती थी। उसको इस तरह से डिज़ाइन किया था मैकेनिकली कि रोबोटिक्स था वो, कि कॉफ़ी बनती थी उसमें जाती थी और वो औरत बटन दबाने पर सिर्फ कॉफ़ी को एक शटर खुलता था, बाहर निकाल के दे देती थी, समझिए आप रोबोटिक्स। और ये सारी चीज़ें लिक्विड्स, पानी और मुख्तलिफ तेल से वो करते थे बैकग्राउंड में जिससे वो चलता है। वो दो सारा देखे आपने जो नीचे मुंडी करते हैं, पानी रहता है और तेल रहता है, फिर तेल जमा होता है तो सारा झुक जाता है, तेल ज़्यादा होता है फिर मुंडी उड़ जाती, चलते रहता है। उन्होंने उसी मैकेनिज्म को यूज़ किया और मुख्तलिफ लिक्विड्स को यूज़ करके उस रोबोट्स को चलाते थे। इतनी सारी इजाद मांग, टाइम कैलकुलेशन के लिए मुसलमानों ने जो है लिक्विड्स को यूज़ किया, घड़ी को चलाने के लिए कि पानी के खतरा टपकने से क्या हो सकता है, कितने खतरा टपकने से एक बार वो गुम, इतनी इजादात है मुसलमानों की, इसमें से कोई इंतहा नहीं। मसला ये हुआ, अफसोस ये हुआ, मुसलमानों ने जो है दीन और दुनिया की जो तफरीक की, अगर इसकी तफसीलात आपको देखना है तो कुरान एंड मॉडर्न साइंस मेरा एक लेक्चर है, इंशाल्लाह अगले जो मेरा छोड़ के उसके बाद अपलोड होगा उसमें ज़रूर देखिए, मैंने बताया मुसलमान क्यों जवाल पजीर हुए। तो मुसलमानों ने क्या किया, दीन दुनिया का फ़र्क किया, कहा दीन हमारे लिए काफ़ी है, हालांकि काफ़ी था लेकिन दीन में दुनिया शामिल है, भूल गए और मुकम्मल तौर से साइंसी इजादात को दीन के ख़िलाफ़ समझने लगे। नतीजा ये हुआ कि 300-400 साल का अरसा गुजरा और उसके बाद मुसलमान जवाल पजीर हो गए, दुनिया में भी पीछे हो गए और अफसोस की बात दीन में भी पीछे हो गए। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है वापस अपने दीन पर चलने की, हमारे दीन पर चलने से हम खुद ब खुद साइंटिफिक हो जाते हैं।
समझ रहे, हमको कोई स्पेशल काम नहीं करना, हमारे दीन पे चलना है, हम साइंटिफिक कम्युनिटी बन जाएंगे, चूंकि हमारा दीन बहुत साइंटिफिक रिलीजन है याद रखिए। तो लिहाजा हमारे पीछे हटने की वजह दीन और दुनिया के इल्म का फ़र्क, और दीन और दुनिया का जब फ़र्क किया और दीन को छोड़ दिया तो दुनिया भी हाथ से खुद ब खुद हमारे निकल गई। तो हमें अपने किताब को थामना है। दूसरी कौमों के लिए उसूल उल्टा है, वो अपनी किताब को थामेंगे दुनिया में पीछे होंगे, चूँकि उनकी किताब साइंस के खिलाफ है। हम अपनी किताब को अगर छोड़ेंगे कुरान को, तो हम दीन में पीछे होंगे और दुनिया में पीछे होंगे। तो लिहाजा हमें वापस उस किताब को थामने की ज़रूरत है जिस किताब को थाम कर लोगों ने दुनिया में इंकशाफात किए थे। आपको मालूम डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, किसको ज़रूरत है, मुसलमानों को ज़रूरत थी इसकी। क्यों? इसलिए कि हमको काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना है, ठीक है। मदीने से मक्का का है हमको तो पता है ना, लेकिन एक आदमी सना यमन से मक्के की तरफ मुंह करना चाहता है कैसे करेगा? एक आदमी होनालुलु अफ्रीका में है, एक शहर के अंदर होनालुलु, वहां से करना चाहता है काबे की तरफ मुंह कैसे करेगा जब तक कि कॉम्पोस ईजाद ना हो? तो किसने सबसे पहले कॉम्पोस ईजाद की मालूम आपको? मुसलमानों ने। क्यों? उनके दीन की जरूरत थी कि कॉम्पोस ईजाद किया जाए, तभी तो डायरेक्शन मिलेगा नमाज का, समझ रहे आप। साउथ अफ्रीका मुसलमान थे, कैसे फेस करते थे काबा इधर है बोल के, कैसे मालूम हुआ? कॉम्पास ईजाद करना उनकी ज़रूरत थी, और वो मैग्नेट से उनको पता चल गया, मैग्नेट जो है जिस डायरेक्शन में होता है उसका अपोजिट उन्होंने निकाल लिया, समझ रहे आप। ये वो फंक्शन पे आज हमारे मोबाइल के अंदर वो काबा बताता है क़िबला किधर है। मुसलमानों को ज़रूरत थी, किसको ज़रूरत थी कि रात के फ़लाँ हिस्से में उठकर कितना वक्त हो रहा मालूम करे, दिन के फ़लाँ हिस्से में कितना वक्त हो रहा मालूम करे? मुसलमानों को ज़रूरत थी, इसलिए कि रात में सहर करना है तो सहर उजाला निकलने से पहले हो जाती, तो कैलकुलेशन करना है कि सुबह को वक्त कितना बाकी है। तो मुसलमानों ने इजादात की सितारों के जरिए कि वक्त कैसे चलता है, घड़ियां नहीं थी जब, दिन में इजादात की कि सूरज के हिसाब से घड़ियां कैसे चलेंगी, सूरज की रोशनी चले जाए तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर सैंड वॉच निकालेंगे, अगर वो भी ना चले तो क्या करेंगे, तो फिर लिक्विड पानी के जरिए चलने वाली घड़ियां ईजाद की, अगर वो भी ना चले तो फिर मैकेनिकल वॉच जो वेट से चलती थी, वजन से, वजन को खींच दो आप, वजन नीचे गिरते जाता था, वॉच दिन भर चलती थी, फिर आपको खींचना, पुरानी किसी घड़ियां देखी होंगी तो वजन होते दो मोटे मोटे, इधर कर दो दिन भर में इधर आता, फिर इधर कर दो। मुसलमानों ने की चूंकि उनके पास वक्त की बहुत अहमियत थी, उनको रोज़ा खोलना था, पांच वक्त की नमाजें पढ़नी थी, तहज्जुद के लिए उठना था, सहर करना था। तो हमारा दीन साइंटिफिक रिलीजन है, इसकी बेसिक्स ऐसी है कि खुद ब खुद एक मुसलमान साइंसदान तो नहीं, एक साइंटिफिक कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है। मानो आप समरकंद में हैं, आप हज करने आते हैं हर साल, हज करने जब आते हैं आप मक्का आते हैं तो आपको ज़रूरत का सामान लाना पड़ता है वहाँ से, ज़रूरत का सामान लाना पड़ता है वहाँ से यहाँ। आपको डर है कि समरकंद से, बुखारा से, रशिया से निकलकर मैं मक्का आने तक मुझे लूटमार हो गई तो मुसलमानों ने फिर ईजाद की एटीएम मशीन्स और बैंकिंग की। जी मैं हज़ार साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बोलूँ एटीएम मशीन, हाँ मुसलमानों की देन है, ईजादात की उन्होंने एक वो लिया, उसको कहते थे सख, उसको कहते सख सदाकत नामा, उसी से लफ सुकूक 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 आता है, जिसको बॉन्ड्स कहते हैं अरबी के अंदर। सख सब क्या होता था, समरकंद में एक आदमी बैठकर एक मोहर लेख चीज लिखता था कि इस आदमी को मक्का पहुंचने के बाद 10,000 दिरहम आप दे सकते हैं, मेरा स्टैंप। वो लेता था नोट, आई प्रोमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज 100,000, देख नोट पे लिखा हुआ, मतलब एक्चुअल करेंसी नहीं, हो एक्चुअल करेंसी कहीं और है, सिर्फ वो देने के बाद उसको 100 मिलने वाले वापस, आई पे लिखा हुआ था ना नोट पे, क्यों लिखा था आप सोचते हो, आई पे द बेरर सम ऑफ रुपीज 100, तो फिर रुपीज 100 है कहाँ, ये तो खाली उसका बेरर का चेक है। ये है सुकू, ये सख है, ये सदाकत नामा था जो समरकंद से लेके निकलता था, मक्का जाकर अपना पैसा ट्रांजेक्ट कर लेता था, वो पेश करता था, उसको पास मिलते थे, और ये दो लोग हिफाजत के साथ अपने पैसे पास करते थे फिजिकल कैश बाद में, समझ रहे आप। एटीएम मशीन्स, चेक का सिस्टम, वही सख से चेक आज भी है, उसी अच्छी सीके नहीं है, उसी अच्छी की हुई चेक यही है जो अरबी से निकल के आता है, समझ रहे। तो हमारा दीन ही हमको साइंटिफिक बना देता है, हमारा दीन है ये कैसी चीज़, लेकिन इसको छोड़ने से आदमी साइंस में पीछे होता है और दुनिया में भी होता है। लिहाजा हमारी पीछे रहने की वजह हमारा अपने दीन को छोड़ना है, और दूसरों की तहजीब को देखकर टूट पड़ना है, बिल्कुल मरगूब मायल पागल हो गए उनके, लेकिन वो जो करेंगे वही सही, समझ रहे आप। तो लिहाजा 17वीं सदी की पहले तक आप देखिए मुसलमान एक से एक साइंसदा, ये 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी 900 साल का गोल्डन एज था, जिसको यूरोपियन डार्क एज कहते, चूंकि उनके लिए तो अंधेरा था लेकिन मुसलमानों के लिए, लेकिन जब यूरोपियन ने अपने दीन को 17वीं सदी में लात मार दी एक जबान में कहूँ, और दुनिया को अपना लिया आगे बढ़ गए, और हमने अपने दीन को छोड़ दिया और दुनिया को उनके पीछे पड़ के अपनाना शुरू किया, तो हम पीछे हो गए। तो लिहाजा हमें दीन में आगे पढ़ना, इंशाल्लाह हम दुनिया में फिर आगे।